आपने फार्म हाउस तो कई देखे होंगे, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बाकी फार्म हाउस से काफी अलग है। बीकानेर शहर के करीब जयपुर श्रीगंगानगर बाईपास पर एक फार्म हाउस है। करीब 1.5 करोड़ की लागत से 28 बीघा भूमि पर स्वास्तिक का निर्माण करवाया गया है। इस स्वास्तिक का निर्माण करवाया है बीकानेर के रहने वाले हरखचंद नाहटा परिवार ने। संभवतः है ये देश का सबसे बड़ा स्वास्तिक है, जो आसमान से देखने पर स्पष्ट दिखाई देता है। इस स्वास्तिक के चारों ओर 5000 से भी ज्यादा पौधे लगाकर स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दिया गया है। एक हिंदू प्रवृत्ति के अंदर एक स्वास्तिक जो है वो धार्मिक चिन्ह है, इसलिए ये धार्मिक चिन्ह को देखते हुए कोई भी पूजा पाठ होती है तो सबसे पहले स्वास्तिक बनाया जाता है, इसलिए ये स्वास्तिक उसको देखते हुए बनाया हुआ है। पूरा स्वास्तिक उसी पर्पज से बनाया हुआ है। ये कितने साइज में बनाया है? ये 900 फुट बाई 900 फुट का पूरा स्क्वायर बनाया हुआ है और बिल्कुल 90 डिग्री में बना हुआ है और करीब करीब ये 28 बीघे के अंदर बनाया हुआ है। कितने साल में तैयार हुआ? कितना समय लगा इसको बनाने में? इसको बनाने में करीब करीब 1 साल लगा। और क्या खासियत है यहाँ आपने का ये? इसके अंदर पर्यावरण शुद्ध रहता है, इसलिए हमने चारों तरफ ग्रीनिस वगैरह लगाई हुई है। करीब करीब 3,800 पौधे अनार के लगाए हुए हैं। एक कोठी के बाहर हमने पूरा बाग लगाया हुआ है। हरियाली बहुत अच्छी है, पर्यावरण साफ रहता है, शुद्ध हवा मिलती है और चारों कोने चार कोठियाँ एक ही टाइप की, जो स्वास्थ्य के बीच में बिंदियाँ लगाते हैं वो बिंदी के हिसाब से, चार कोठियाँ बिल्कुल बिंदी के हिसाब से ही बनाई हुई है और शौक से रहने के लिए। ये दिल्ली के अपने नाहटा परिवार है, हरखचंद नाहटा परिवार, उनके बच्चों ने शौक से बनाया है। तो ये इस तरह का तो ये पहन हो गया बीकानेर में? हाँ, बीकानेर में ये पहला ही साखिया ऐसे आया था उनके ध्यान में, एक धार्मिक चिन्ह के हिसाब से अच्छा बनाना चाहिए, तो उन्होंने ये बनाया है। नाहटा परिवार ने साल 2010 में इसका निर्माण शुरू करवाया था और करीब 1 साल के बाद इसका निर्माण पूरा हुआ। आपको बता दें, सनातन संस्कृति में स्वास्तिक चिन्ह का विशेष महत्व है। हर पूजन और धार्मिक अनुष्ठानों में स्वास्तिक चिन्ह को कुमकुम से उकेरने के साथ उसके पूजन का महत्व है। पूजन के दौरान थाली में भगवान गणेश को स्थापित करने से पहले स्वास्तिक बनाने की भी मान्यता है। स्वास्तिक को सूर्य और ऊर्जा के रूप में सकारात्मकता का भी प्रतीक माना जाता है। घर, परिवार और मंदिरों में स्वास्तिक के हर रोज पूजन की भी मान्यता है। स्वास्तिक के विशेष महत्व से प्रेरित होकर इस परिवार ने स्वास्तिक का निर्माण अपने फार्म हाउस पर करवाया। इस स्वास्तिक की आकृति के बीच 4 मकानों का निर्माण किया गया है। धार्मिक और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता ये स्वास्तिक अब लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। ड्रोन के जरिए जो तस्वीरें ली गई हैं वो भी काफी खूबसूरत नजर आ रही है।